इस वीडियो में जो है मैं आपको पंच धातु यानी कि पंच लोहा और कॉपर के बारे में डिफरेंस बताता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूँ कि अगर आपको कोई ज्वेलरी वगैरह बनवाना हो, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये है फिरोजे का रिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल जो है हमारे यहाँ पर फिनिशिंग करते हैं रिंग्स वगैरह, या आपको कोई भी दूसरे रिंग्स वगैरह ऑर्डर देना चाहते हैं या स्टोन्स वगैरह कुछ परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें। और पेंडेंट वगैरह यानी कि नवरत्ना का जो पेंडेंट होता है उस टाइप का पेंडेंट, या आपको डायरेक्ट ईरान से जो रिंग्स आते हैं उस टाइप के रिंग्स चाहिए हो, या आपको इंडोनेशिया के जो रिंग्स होते हैं इस टाइप के बहुत ही ब्यूटीफुल रहते हैं, परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करें। दोस्तों ये जो पंच लोहा में जो है जिंक कॉपर सिल्वर गोल्ड और आयरन जो है मिक्स हो गया था, इसलिए ये पंच लोहा होता है। इसमें पाँच मेटल्स मिक्स हो जाते हैं तो इसलिए ये सेम सिमिलर टू गोल्ड रहता है। गोल्ड जिस तरह से रहता है उसी टाइप का ये दिखने में भी रहता है और बहुत ब्यूटीफुल भी रहता है ये कलर्स वगैरह में भी, रिजल्ट के मामलात में भी जो है ये वन रहता है ये। और इसी की तरह हम कॉपर की बात करें तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है सजेस्ट करते हैं कि कॉपर का पेन आए, बट कॉपर में क्या होता है कि जैसे जैसे पेन थे ये ब्लैक पड़ने लगता है। आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं कि इस टाइप की क्वालिटी रहती है इसमें, और जैसे जैसे कोई भी बंदा पहनता है तो थोड़ा थोड़ा करके ब्लैक हो जाता है, लेकिन फिर भी जब वॉश करते हैं इसको पॉलिश करवाते हैं तो फिर से जो है वापस जो है कलर आता है थोड़ा। बट ये क्या है कि पंच धातु से कंपेयर करें तो ये सिमिलर टू ब्लैक है और पंच धातु जो है सेम गोल्ड के जैसा रहता है, जिस तरह से आप सिल्वर्स में देख सकते हैं कि इसमें जिस तरह की शाइन रहती है पॉलिश और बफिंग कराने के बाद, सेम सिमिलर टू इसमें भी रहता है। ये आप देख सकते हैं कि ये मॉइसनाइट का रिंग है जो कि हमने एक कस्टमर को बनवाया हुआ था, आज डिस्पैच भी करने वाले हैं हम इसको। तो ये देख सकते हैं कि सेम सिमिलर टू सेम गोल्ड दिखता है, ये गोल्ड की 18 कैरेट का जो गोल्ड आता है उस टाइप का जो लुक है उसमें वो लुक मिलता है आपको। दोस्तों अगर आपका कंक्लूजन है कि क्या हम पंच धातु में बना के पहने या कॉपर में पहने, तो मेरा ये पर्सनल मेरा एक सजेशन है कि आप पंच धातु में पहने, क्योंकि इसमें क्या है कि पाँच मेटल्स मिक्स हो जाते हैं और पाँच मेटल्स का जो है लाभ आपको मिलेगा इसमें। और इसी तरह आप कॉपर में भी अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप कॉपर में ही पहनना है तो आप कॉपर में भी जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आप रिंग वगैरह कुछ परचेस करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, समझने को मिला हो। टू कंक्लूड विद आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू कंसीडर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिगार्डिंग जेमस्टोन।